ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 5 अगस्त और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं अकेडमी के प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उस लिंक पे भी क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कितनी सेवारत महिला न्यायाधीश होंगी? तो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 3 सेवारत महिला न्यायाधीश होंगी। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी को पदोन्नति को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 3 सेवारत महिला न्यायाधीश होंगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य 2 न्यायाधीश अगस्त 2014 में नियुक्त आर बनुमाथी और अप्रैल 2018 में नियुक्त इंदुरु मल्होत्रा हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है दोस्तों इकहरी और एकीकृत है। इसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय भारत का दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। कौन से आर्टिकल में? 124 में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई, जबकि एक बार नियुक्ति होने के बाद अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। ठीक है, 65 ईयर है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, भारतीय न्यायिक पद्धति में जब PIL यानी लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। वहीं बात करें तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी। ठीक है, दीपक मिश्रा जी। इसके अलावा दोस्तों आपको और फैक्ट बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी दोस्तों वो थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के पहले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो थे हीरा लाल जे कानिया और वर्तमान में कौन है? दीपक मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कितनी सेवारत महिला न्यायाधीश होंगी? ये होंगी 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट शेयर करता हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का, तो आई होप आप लोग पूरा कर देंगे। वीडियो पसंद आए पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने हाथियों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाथियों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। देखिए दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कार्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों के वाणिज्यिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके अलावा उनके विभिन्न रेंजों में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या को 100 तक सीमित कर दिया गया है। और दोस्तों अदालत का ये आदेश तब आया है जब उसे ये अवगत कराया गया कि हाथियों को चेन से बांधा जा रहा है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हाथियों को अस्थायी रूप से राजा जी राष्ट्रीय पार्क के चीला क्षेत्र में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें जब उत्तराखंड की बात हो रही है तो यहाँ पे एक और बहुत ही प्रमुख फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा किया गया था। दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक अनोखे फैसले में राज्य में जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति या इकाई का दर्जा देने की घोषणा की है। ठीक है, तो पशुओं को जो है तो जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति इकाई का दर्जा देने की घोषणा किसने की थी? वो भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने की थी। दोस्तों यहाँ पे बात हाई कोर्ट की हो रही, तो हाईकोर्ट से रिलेटेड आपको फैक्ट बता देता हूँ। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा जो आर्टिकल 214 में है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 214 में भारत के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय होगा। और वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत में 24 हाई कोर्ट है। ठीक है, 24। दोस्तों यहाँ पे बात उत्तराखंड की हो रही, तो उत्तराखंड से रिलेटेड काफी फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, पुराना नाम है, क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क। उसके अलावा दोस्तों देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि 11 हैं। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने हाथियों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो कर दिया दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। दोस्तों वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं रोहित कुमार, यानी ऑप्शन सी राइट है। देखिए दोस्तों 15 साल और 335 दिन की उम्र वाले नेपाल के रोहित कुमार पादुले
वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यानी ODI में पदार्पण करने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। और पाक के हसन रजा दोस्तों सबसे कम उम्र में ODI खेलने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र में ODI खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? पाक के हसन रजा। और रजा ने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 साल और 223 दिन की उम्र में पदार्पण किया था। इसके अलावा कनाडा के नीतीश कुमार इस सूची में दोस्तों तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2010 में शारजाह में अफगानिस्तान में 15 साल और 273 दिन की उम्र में खेला था। तो वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वो बन गए रोहित कुमार। इसमें जो तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो वह पाक के हसन रजा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई है? तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है दोस्तों, वो बन गीता मित्तल, यानी ऑप्शन बी राइट है। देखिए दोस्तों, न्यायमूर्ति गीता मित्तल को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और वो प्रमुख बनने वाली इतिहास की पहली महिला न्यायाधीश है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि न्यायमूर्ति मित्तल अब तक दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थी और 3 अगस्त 2018 को सिंधु शर्मा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सिंधु शर्मा बन गई हैं। जबकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बन गई मुख्य न्यायाधीश? वो बन गई दोस्तों गीता मित्तल, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने शोर नहीं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों शोर नहीं मोबाइल ऐप को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के CM है जयराम ठाकुर ने हॉर्न नॉट ओके नामक जागरूकता अभियान और शोर नहीं यानी नो नॉइज नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। और शोर नहीं मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए आम जनता द्वारा किया जा सकता है। और पहले चरण में यह अभियान दोस्तों शिमला और मनाली में लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य ने शोर नहीं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इकोनॉमिक थिंक टैंक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक निवेश क्षमता वाला राज्य कौन सा है? इकोनॉमिक थिंक टैंक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक निवेश क्षमता वाला राज्य दोस्तों वो है दिल्ली, ठीक है, यानी ऑप्शन भी राइट है। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने सबसे अधिक निवेश क्षमता वाले 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश सूची में गुजरात को हटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। किसको हटाकर? गुजरात को। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के बाद इस लिस्ट में तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा दोस्तों NCER ने मार्च 2016 में जो है तो एक श्रृंखला शुरू की थी, ठीक है। तो इकोनॉमिक थिंक टैंक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक निवेश क्षमता वाला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों दिल्ली, ठीक है। और इसने जो तो गुजरात को हटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला दोस्तों, अमेरिका की पहली प्राइवेट स्पेसशिप को कौन उड़ाएगा? तो अमेरिका की पहली प्राइवेट स्पेसशिप को दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स। देखिए दोस्तों, सुनीता विलियम्स ने नासा द्वारा अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम के लिए नामित 9 अंतरिक्ष यात्री को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा देश बन गया है? तो चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया दोस्तों, वो बन गया जापान, यानी ऑप्शन बी राइट है। देखो दोस्तों, जापान चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है और चीनी बाजार जापान के $6.17 trillion के मुकाबले $6.09 trillion का था। और दोनों देशों के बाजार अमेरिका के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जो $31 trillion शेयर बाजार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ठीक है। तो चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा देश बन गया? तो ये बन गया दोस्तों जापान, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों कल का आंसर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस भारतीय मूल को प्रतिष्ठित फील्ड पदक प्राप्त हो जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है अक्षय वेंकटेश। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया था। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल, आज का क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट का क्या नाम है? हिंदी बोलने वाले विश्व के पहले रोबोट का क्या नाम है? सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर कमेंट में लिखेंगे, मैं सभी कमेंट रीड करता हूं। दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, वहां पर आपको साइंस के हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड किया हूं, अपलोड कर दिया हूं, तो आप वहां से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप हमें कुछ भी सवाल या सुझाव डाउट से पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF फाइल चाहिए पूरे मंथ की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।